ये लीजिए सर आपका सूट, मुझे लग रहा है ये क्लीन नहीं हुआ है। ऐसा कैसे बोल सकते हो सर आप एक बार अपने स्टाफ से चेक कर लो ना। अरे स्टाफ से क्या चेक करना, अरे मैं बोल रहा हूँ तो एक बार आप चेक कर लो ना। एक मिनट मैं चेक करके आता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ सर। स्टाफ जी सर, वो 30 नंबर टोकन का अच्छे से साफ हुआ है ना सूट? ऑफकोर्स सर, पूरा प्रोसेस हुआ है उसमें, पूरा अच्छे से हुआ ना, उनको क्योंकि डाउट हो रहा है। नहीं डाउट का तो सर कोई गधा ही डाउट करेगा, उस पर पूरा डिस्टिलेशन स्टरलाइजेशन और उसका पेनिट्रेशन पूरा हुआ है सर, और वो अच्छे से पूरा क्लीन हुआ है। ठीक है ओके मैं जाता हूँ। और हैंडसम भी लग रहे हैं सर आप। अरे ये लोग भी हैंडसम बोल के चलाते हैं सर आपने। हाँ मैंने सुना वो जो भी बोल रहे थे उसका फर्मेंटेशन और फैदमेशन और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हुई है सर उस पर। हिंदी में बताओ क्या इसमें तुमने सफाई की है? अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई जाइए दूसरी दुकान देखिए जाके। सबसे समझा रहा हूँ, आप इतनी सी बात पे गन क्यों निकाल रहे हैं? एक्सक्यूज मी हेल्प, चुपचाप मुझे हिंदी में बता क्या किया है इसमें तूने? हम कुछ नहीं करते हैं। क्या मतलब कुछ नहीं करते हैं सर? कुछ नहीं करते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ऐसे सूट लेके आते हो, ये ऐसे रखा रहता है अलमारी में, आप वापस लेने आते हो, हम ऐसे उठा के आपको दे देते हैं। ऐसे तुम लोग धोखा दे रहे हो लोगों को। 10 साल से धंधा कर रहा हूँ सर, आज तक एक कस्टमर ने कभी कंप्लेन नहीं की। मुफ्त की कमाई खा रहे हो ना, इससे कभी फलेगी नहीं। प्लीज किसी को बताइएगा नहीं सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू ना होता ना मेरा तो आज तुम्हें दिखा देता मैं असली रूप क्या है मेरा। थैंक यू सो मच सर। सर वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या है? आप क्या जॉब करते हैं? आई एम अ कंसल्टेंट। तो सर काम क्या होता है एग्जैक्टली? अरे चुप रहो, तुम अपना काम करो ना यार।